मदर सुभाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पार्ट पांच मुगल साम्राज्य का अध्ययन करा रहे थे, आज हम दीर्घ उत्तरी का लास्ट प्रश्न है जिसे आप लोगों को समझाएंगे और इसी को आज लिखवाया भी जाएगा। इसमें है अकबर की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है आपका अकबर की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 ईस्वी में दिल्ली से सिंहासन पर बैठा। वो है उस समय उस अल्पायु था जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष, कहीं कहीं 11 वर्ष भी मिलता है, कंफ्यूज मत होना। की अवस्था में तो शासक बना दिया गया। उस समय का विश्वास पात्र सैनिक या सेनापति बैरम खां अकबर की देखरेख और शासन चलाने में सहयोग के लिए रख दिया गया। आगे चलकर के जब अकबर स्वयं शासक करने के योग्य हुआ तो उसने अपने शासन या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध और अनेक उसके जीवन की उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट इसका है अकबर ने दरबार में 9 महान व्यक्ति थे जिन्हें अकबर नवरत्न कहते हैं। मतलब अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति महान थे जो 9 क्षेत्र में अलग अलग निपुण थे। उनको अकबर के समय में नवरत्न के नाम से जाना जाता। ठीक है, उनमें से कुछ आपको बता दें, जैसे आपका बीरबल 9 रत्नों में से एक था, तानसेन संगीतज्ञ था। इस तरीके से 9 ऐसे व्यक्ति थे जो किसी न किसी चीज में विशेष निपुण थे, उनको 9 रत्नों के नाम से जाना था। अगला पॉइंट है अकबर ने अपने कुशल शासन प्रबंध से बाबर द्वारा स्थापित राज्य को एक विशाल साम्राज्य रूप में प्रतिस्थापित। बाबर ने जो साम्राज्य उनको मिला उसे उन्होंने उसका साम्राज्य और विस्तृत करने का प्रयास किया, यानी विस्तृत किया। अकबर ने अपने अनेक राज्यों को जीतकर एक संगठित एवं सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर ने बहुत से प्रांतों को जीत करके एक संगठित और विशाल साम्राज्य की स्थापना। आगे अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री और सहमानता के व्यवहार की नीति अपनाई। उसने अमेर के राजपूत राजा बारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। किससे विवाह किया? जोधाबाई से। और इनका सबसे महत्वपूर्ण है महाराणा प्रताप एकमात्र मेवाड़ का ऐसा शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में मेवाड़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मुगलों का मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं होने दिया। कौन ने उन्हें दिया? महाराजा राणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कहानी बहुत रोचक है, बहुत ही वीर धीर स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अगला अकबर की उपलब्धि है, अकबर एक धर्म संयुक्ता शासक था। उसने सभी धर्मों से अच्छी बातें सीखकर दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर जो था सभी धर्मों
के बारे में जानकारी करके उन्होंने एक धर्म दीने इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने उत्तर में कश्मीर, सिंध, बंगाल और उड़ीसा को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया और उन्होंने चांद बीवी को भी हरा कर दक्षिण भारत में अहमदनगर में भी अपना आधिपत्य जमा लिया। अकबर भवन निर्माण में अत्यधिक रुचि रखता था। उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद में किला, फतेहपुर सीकरी में सुंदर महल, बुलंद दरवाजा और शेख चिश्ती का मकबरा बनवाया। यानी इस तरीके अकबर एक महान योद्धा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दीने इलाही धर्म है जिसका चलाया और ये कला और स्थापत्य कला में भी इनका योगदान। तो इस तरीके से आपका ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है और आगे आपको इस पाठ में एक्सरसाइज बनाई जाएंगी जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में या बुक में भरेंगे। धन्यवाद।